अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं आपके? कैसी गुजर रही हैं छुट्टियाँ? आज हम पता है क्या करेंगे? आज हम तितली उर्दू सिलसिला दूसरी जमात की किताब से एक बहुत मज़ेदार सी कहानी सुनेंगे। आपको कहानियाँ सुनना पसंद है? बहुत ही मज़ेदार होती हैं कहानियाँ। और पता है कहानी सुनने का मज़ा कब आता है? जब हम कहानी को बहुत गौर से सुने और फिर कहानी सुनने के बाद हम वो किसी और को सुनाएं भी और उसके बारे में तमाम सवालात के जवाब भी दें। तो फिर ऐसे ही होगा, मैं आपको कहानी सुनाऊंगी और फिर कहानी के बाद आपसे कुछ आसान से सवालात भी पूछूंगी। ठीक है, तो फिर कहानी शुरू करें। चलें भाई, कहानी में पता है क्या है? कहानी का नाम है सब के साथ साथ। धम धम ऊंट एक कतार में चलते जा रहे थे। साथ साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम भी थे। उनके पीछे कुछ बकरियां भी थीं। चलते चलते लोग थक गए। एक जगह सब रुककर खाना खाने का सोचने लगे। चलो गोश्त पकाते हैं, किसी ने कहा। ये ख्याल तो अच्छा था, सबको पसंद आया। अब काम बांटने की बारी थी। मैं गोश्त पकाऊंगा, पहले सहाबी ने कहा। मैं रोटियां पकाऊंगा, दूसरे सहाबी ने कहा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और मैं जंगल से लकड़ियां काट कर लाता हूँ। सहाबियों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार था। वो सब बोले, नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तकलीफ़ क्यों करते हैं? आपका काम हम करेंगे, आप काम ना करें। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद काम करना अच्छा लगता था। वो सब के साथ मिलकर रहते थे, मिलकर काम करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं जानता हूँ कि मैं आप सबका नबी हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं अलग लगूं। और फिर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को खाना पकाने में मदद की। देखा बच्चों, कितनी मज़ेदार कहानी थी। कहानी कैसी लगी आपको? आपको पता है इस कहानी में क्या क्या चीज़ें थी? चलिए अब मैं आपसे कुछ सवालात पूछती हूँ। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि कहाँ जा रहे थे लोग, और जो धम धम आवाज़ आई थी वो किस चीज़ की आवाज़ थी? हाँ, ऊँट की आवाज़ थी। अरे वाह, पहचान लिया आपने, ज़बरदस्त। अच्छा, तो कौन कौन था वहाँ पे? बिल्कुल ठीक, सहाबा किराम थे और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। अच्छा, अब कुछ चीज़ें आप सोचिए। वो क्या कि सब जब थक गए तो उन्होंने किया क्या, और जब वो रुके तो फिर उन्होंने क्या करने का सोचा, और जिस काम का उन्होंने सोचा था फिर उस काम को करने में किस किस ने उनकी मदद की? आपने पता है क्या करना है? आपने ये करना है कि आपने इस कहानी को अपने घर में अपनी मम्मा को, अपने बहन भाइयों को और अपने दोस्तों को भी सुनाना है। और फिर जैसे आपसे मैं सवाल कर रही हूँ, इसी तरह आप उनसे भी सवाल कीजिएगा। फिर आपको बहुत मज़ा आएगा कहानी सुनने का भी और फिर सुनाने का भी। ठीक है,